Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. My name is Dr. Ikra Tariq. Before proceeding towards this video, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to find the notification of my latest videos. So to viewers, आज की ये वीडियो स्पेशली उन माओं के बारे में है जिनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं और उनके माइंड में हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता है कि बच्चे को क्या खिलाया जाए, बच्चा हेल्दी भी रहे, बच्चे को कोई डाइजेस्टिव इश्यूज भी ना आए और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट से मिलकर बनेगी और आपका बेबी हेल्दी भी रहेगा। आज की ये वीडियो स्पेशली 7 to 12 मंथ ओल्ड बेबीज़ के लिए है और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने वीनिंग इंट्रोड्यूस करानी है बेबी को। वीनिंग बेसिकली इज़ द फर्स्ट फूड दैट मदर्स इंट्रोड्यूस टू बेबी। तो वीनिंग आपने कैसे स्टार्ट करानी है और ये वीनिंग जो है ये आपके बच्चे के लिए कैसे हेल्पफुल है कि बच्चा हेल्दी रहे और उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहे और उसे कोई डाइजेस्टिव इशूज़ ना आए। तो वीडियो को गौर से देखें। तो व्यूवर्स, फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें यूज़ करने जा रही हूँ वो है राइस। तो राइस के बारे में मैं आपको बताऊँ कि इस इंग्रेडिएंट जो मैं राइस यूज़ करने जा रही हूँ इसका आपके बच्चे को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि राइस आप अगर आप अपने बच्चे की डाइट में शामिल करते हैं तो बच्चे को इससे क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो विटामिन रिच होते हैं राइस। राइस के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं लाइक नाइसिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन एंड विटामिन B6 और ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक ग्रोइंग बेबी को की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा बॉयल राइस जो हैं आपके बेबी के डायरिया को ट्रीट करते हैं आप और ये एनर्जी बूस्टर के तौर पर एक्ट करते हैं और अगर बच्चे को खुदा न खास्ता फीवर है तो ये फीवर को भी डाउन करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि ये इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी रेसिपी में राइस, ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। ठीक है, ये हर घर में पाया जाता है। जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम लोग बहुत सारी ऐसे इंग्रेडिएंट्स अपनी डाइट में यूज़ नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हों। तो राइस बहुत ही इकोनॉमिकल हैं, इजीली अवेलेबल हैं। तो व्यूवर्स, मेरा सेकंड इंग्रेडिएंट जो है वो है कैरेट। कैरेट यानी गाजर। तो व्यूवर्स, गाजर हमारे बच्चे के लिए कैसे हेल्पफुल है मैं आपको इसके सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं जो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। तो इसमें हमारे पास डाइट्री फाइबर है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है और बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन B6 पाया जाता है इसमें। इसके अलावा इसमें मैंगनीज, पोटाशियम, कॉपर और आयरन की भी कुछ क्वांटिटी पाई जाती है। तो ये क्या करता है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं इसके, ये आईसाइट को इम्प्रूव करती है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है, हार्ट डिजीज़ से बचाती है, ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखती है, हाई ब्लड प्रेशर बच्चों को तो नहीं होता, खैर मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी ये अच्छी है। इसके अलावा ये मस्कुलर डीजनरेशन को रोकती है और सबसे बड़ी बात जो आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं आने देती और इसके अलावा कैंसर के रिस्क को भी ये रोकती है। तो ये हो गए हेल्थ बेनिफिट मेरे सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैं अपनी रेसिपी में यूज़ करने जा रही हूँ कैरेट उसके। जी तो व्यूवर्स, थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैं अपनी रेसिपी में यूज़ करने जा रही हूँ वो है पोटैटो। पोटैटो हर घर में पाया जाता है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। इवन तीनों इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं, परेशान होने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है कि हमें ये मिल नहीं सकते, इजीली अवेलेबल हैं घर के अंदर। और पोटैटो के कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूवर्स, पोटैटो के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बेबी को और ये सेफेस्ट वेजिटेबल है जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है और आप इसको वीनिंग के तौर पर अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप बॉयल फॉर्म में भी दे सकते हैं, बच्चे को स्टीम फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आप प्रॉपर एक रेसिपी में कैसे पोटैटो यूज़ करके अपने बच्चे को खिला सकते हैं। इसके अलावा जो पोटैटोज़ होते हैं इनके अंदर प्रोटीन्स और विटामिन सी की भी काफ़ी मिकदार पाई जाती है और सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्ट अप करते हैं आपके बच्चे की। तो व्यूवर्स, ये थे मेरे थ्री इंग्रेडिएंट्स जिनको
मिक्स करके जिनको मिला के मैं आपको देने वाली हूँ आज एक बहुत ही अच्छी रेसिपी जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर योर ग्रोइंग 7 to 12 month ओल्ड बेबी। तो व्यूवर्स, करना आपने क्या है, आपने ये तीनों इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। आपने पोटैटो और कैरेट को पील कर लेना है। पील करने के बाद आपने उसको छोटे छोटे फाइन पीसेस में कट कर लेना है और उसके बाद आपने राइस को अच्छे से वाटर से रिंस कर लेना है दो बार, और फिर आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिला के इनको डाल देना है एक कुकर प्रेशर कुकर के अंदर, और उसमें आपने ऐड कर देना है 1.5 कप पानी, और फिर उसको लिड आपने क्लोज कर देना है और इसको पकने देना है। तब तक आपने पकने देना है जब तक वाटर प्रॉपरली ड्राई नहीं हो जाता, और जब आपको आप देखो कि वाटर प्रॉपरली ड्राई हो चुका है, अच्छे से खुश्क हो चुका है पानी, आपने इस मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने, बिल्कुल फाइन आपने इसको मिक्स करना है। और 7 month के बेबी की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो बच्चा खा इजीली डाइजेस्ट कर सकता है क्योंकि ये इतना बॉयल हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करें कि आप इस मिक्सचर को थोड़ा सा ग्राइंडर के अंदर डाल के उसको फाइनली ग्राइंड कर लें ताकि ये और ज़्यादा फाइन हो जाए और बच्चे को डाइजेस्ट करने में कोई इशू ना आए। उसके बाद आपने सिंपली इसको डिश आउट कर लेना है और एक बाउल में डालें, प्यारे से कलरफुल से बाउल में डालें और अपने बच्चे को खिलाएं। ये बहुत ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट डाइट है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं और आपके बच्चे के लिए, बच्चे की ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को प्रॉपर एक रेसिपी दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपको इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में लेने हैं और कैसे आपने इसको प्रिपेयर करना है। सो व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइए, और आपकी फीडबैक ही मुझे एनर्जेटिक रखेगी कि मैं, और मुझे एक वो फोर्स प्रोवाइड करेगी कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊं। आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि क्या मुझे आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बनानी चाहिए। ओके, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।